ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम अरावली पर्वत के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि अरावली पर्वत क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यह भारत का सबसे पुराना पर्वत है और विश्व के सबसे पुराने पर्वत में से एक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो मैप में आपको दिखाया गया है, यह हरा भरा जो क्षेत्र है, यह अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, यह अरावली पर्वत का एक भाग है जो राजस्थान में अधिकांश भाग पड़ता है इसका। अब देखिए, आपको हम यहाँ पर पहले मैप दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है यह इंडिया है, ठीक है, और यह जो है अरावली पर्वत, जो कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यह जो है आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, यह अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जो कि आपको राज्य बता दिया गया है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में भी है, फिर दिल्ली में है और थोड़ा सा भाग जो है उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है, अब समझते हैं कि यह भारत की जो पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, यह पर्वतमाला जो है स्थित है अरावली पर्वत, और इसे अडवाला पर्वत के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। ठीक है, यह गडवाना लैंड जो है उसी समय जो है भारत को यदि अंगरा लैंड और गडवाना लैंड में बांटे, ठीक है, उस समय यह अस्तित्व में आया। अरावली पर्वत के आसपास जो है भील जनजाति निवास करती है। वहाँ की जो प्राचीन जनजाति है उसमें से एक भील जनजाति है जो यहाँ अरावली पर्वत में रहती है। अरावली पर्वत की जो हरी दीवार है, यह गुजरात से दिल्ली तक अरावली रेंज के साथ जो है कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 5 किलोमीटर लगभग चौड़ा में हरी जो है परिस्थिति की गलियारा है और यह शिवालिक पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ मैप में आपको पूरा बता दिया गया है। अरावली पर्वत की जो आयु है लगभग 570 मिलियन वर्ष है। ठीक है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है, इसे यह अरावली पर्वत है, ठीक है, जो कि अब अवशिष्ट हो गया है। ठीक है, इसका जो अधिकांश भाग है वह राजस्थान में आता है, लगभग 80% इसका विस्तार जो है राजस्थान में है। उसके साथ दिल्ली के जो राष्ट्रपति भवन जो रायसीना पहाड़ी पर बना है, यह अभी अरावली पर्वत का ही भाग है। अरावली पर्वत के जो पश्चिमी भाग में है वह मारवाड़ आता है और जो पूर्वी भाग में आता है मेवाड़। यह मध्यकाल का दो प्रमुख ही राज रहा है, मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है, अरावली पर्वत से देखिए इसमें से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं। यहाँ मैप में थोड़ा सा देखिएगा, यह है अरावली पर्वत, इससे जो है यह इस तरह से फैला हुआ है जिसके कारण जो है मानसून पौने ये बंगाल की खाड़ी से होकर के जाती है इधर, जो जाकर यहाँ पर आते आते समाप्त हो जाती है, और दूसरा जो है अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर से होकर जो जाता है वह सीधे इसके समानांतर चला जाता है, जिससे वृष्टि छाया में यह जो क्षेत्र मतलब कोई अवरोध नहीं होता है राजस्थान में, जिसके कारण यहाँ वर्षा भी नहीं होता है। अरावली पर्वत जो है मानसून पवन के समानांतर है, पैरेलल है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होता है और राजस्थान जो है मरुस्थल है। लेकिन इससे फायदा यह है कि जो पश्चिम से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो अरब रेगिस्तान है, चाहे थार रेगिस्तान है, इसका विस्तार जो है भारत के अन्य भाग में नहीं हो पाता है। अरावली पर्वत से यह लाभ है, ठीक है, यह इसको रोक देता है। फिर जो है दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में जो है यह हरियाली जैसा काम करता है, यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और जो है पेड़ पौधे हरे भरे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे यह फायदा है। यहाँ पर मैप में आपको दोनों दिखा दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा गया है, यह अरावली पर्वत है। ठीक है, देखिए अरावली रेंज जो है प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध है और पश्चिमी रेगिस्तान के विकास को रोकने में भी काम करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। ठीक है, इस पर स्थित है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, जिस पर स्थित है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से वलित पर्वत है जो पहले ही बता दिया गया है, और इसका निर्माण दो प्लेट अभिसरण के कारण हुआ, प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है। ठीक है, प्लेटों के अभिसरण मतलब प्लेटों के टकराहट से ही कोई स्थल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह दो प्लेटों के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है।
इस पर्वत से प्रमुख नदियाँ निकलती है, जैसे लूनी नदी जो कि पश्चिम की ओर निकलती है और यह कच्छ की खाड़ी में जाकर कच्छ किरण में ही गायब हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी जो है कच्छ किरण में गायब हो जाती है। और पूर्व की ओर निकलने वाली नदियों में प्रमुख है बनास नदी, अरावली के जो पूर्व में निकलती है वह बनास नदी है और पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है राजस्थान जो है अरावली पर्वत के बारे में। ठीक है, थैंक यू।